सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल फॉर्म मदरसा यूट्यूब चैनल. दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे अमेजोन में अपना एड्रेस को कैसे ऐड करें. गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोडक्ट को अगर बाय करते हैं उसके लिए गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट नेसेसरी होता है. गाइस अगर आप अपना एड्रेस को अगर ऐड अगर नहीं करते हैं अमेजोन एप्लीकेशन में, तो कोई प्रोडक्ट को अगर बाय करेंगे तो गाइस वो बाय नहीं हो पाएगा. उसमें से गाइस बहुत सारे आपको इश्यूज फेस करना होगा कि हम आज की इस वीडियो में सारा क्लियर कर देंगे. गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी नए एड्रेस पे जाते हैं, नए लोकेशन पे जाते हैं, वहां पे अगर दो चार दिन का रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम अमेजोन एप्लीकेशन से कोई प्रोडक्ट को बाय करूं वो भी मुझे उस एड्रेस पे देने के लिए जाए, उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता होता कि गाइस हम एड्रेस को ऐड कैसे करें. गाइस अगर आप कोई प्रोडक्ट को अगर बाय करते हैं तो उसमें गाइस टू एड्रेस आ जाता है, अगर नया एड्रेस ऐड करते हैं तो वो एड्रेस आ जाता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वो आ जाता है. गाइस उसमें गाइस बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि भाई हम जल्दीबाजी में जो बाय करना होता है प्रोडक्ट को, तो हम गाइस परमानेंट एड्रेस में उसको बाय कर लेते हैं. बहुत ही गाइस अकॉर्ड होता है कि भाई हम उस एड्रेस पे बाय कर ले, फिर से मुझे प्रोडक्ट को कैंसिल करना होता है. अगर मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप Amazon में कोई प्रोडक्ट को एक बार अगर बुक अगर कर ले तो भाई उस एड्रेस को चेंज नहीं कर पाएंगे. गाइस पहले होता था कि अगर आप Amazon से कोई प्रोडक्ट को अगर बाय कर ले, इनके सर कोई भी एड्रेस को अगर चेंज करना अगर होता था तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करके वो हम एड्रेस को चेंज करा सकते. इस टाइम का जो फैसिलिटी है वो क्लोज कर दिया गया है. जी हां गाइस, मैं ऑलरेडी Amazon पे काम कर चुका हूं एज ए कस्टमर एग्जीक्यूटिव, तो गाइस मुझे हर एक चीज उसका पता है. तो गाइस मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा अगर नया एड्रेस को ऐड करने के लिए, कैसे कैसे उसके प्रोसेस का आपको फॉलो करना, वो हम गाइस आगे के वीडियो में जानेंगे. चलिए गाइस हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस को लेकर के आते रहूं. चलिए गाइस हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस हम लोग आगे मोबाइल के स्क्रीन पे भी हम लोग इसमें सीखेंगे Amazon में अपना जो पर्सनल एड्रेस है उसको ऐड कैसे करेंगे. जी हां गाइस मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले आपको एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी उस एड्रेस पे आपका जो प्रोडक्ट है डिलीवर होगा. तो एड्रेस को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आपको Amazon का एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा. यहाँ पे देख सकते हैं मैंने Amazon का एप्लीकेशन को ओपन किया. जो ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा. तो गाइस आपको घबराना नहीं कि भाई हम मुझे एड्रेस ऐड कैसे करना है, जो आपका भाई बता रहा है सेम टू सेम वही स्टेप को फॉलो करना है. तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे थ्री डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे. तो गाइस जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सेम टू सेम वही आपको सिलेक्ट करना है. तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यूर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. तो मैं पे क्या करता हूँ, यूर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ. जो ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, आपके पास कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट आएंगे. अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, एड्रेस को ऐड करना होगा. तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, आपके फ़ोन में तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू एड्रेस है. आपको यहाँ पे क्या करना होगा गाइस, ऐड न्यू एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ. जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा. लाइक जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नाम का आ रहा है, मोबाइल नंबर का आ रहा है, जो भी है यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है. यहाँ पे नाम रहेगा तो मैं यहाँ पे नाम टाइप कर लेता हूँ मुदस्सर. ठीक है, देन मोबाइल नंबर, ठीक है, पिन कोड, ठीक है, हाउस नंबर, हाउस नंबर तो है नहीं, गांव का नाम डाल देता हूँ क्योंकि इस गांव में हाउस नंबर होता नहीं है. जो आपका हाउस नंबर रहेगा वो आपको टाइप कर लेना है. आप तो गाइस अगर आप अगर गांव से अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो भी आपका है वो आप टाइप कर लीजिएगा. ठीक है, फिलहाल गाइस मैं गांव में रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट जो भी है मैं वहाँ पे टाइप कर देता हूँ. फ्लोनी स्टेट एंड क्वालिटी आपका जो भी है वो डाल देना है. ठीक है, जो मेरे नियर बाई है तो मैं यहाँ पे वो टाइप कर देता हूँ. ठीक है, नियर बाई होंडा. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लिया. तो क्या होगा, जो आप प्रोडक्ट को बुक करेंगे ना तो आपको जो डिलीवरी डेट होगा, डिलीवरी जो आपको देने के लिए आएगा इसी एड्रेस पे आएगा. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप जो एडिशनल जो एड्रेस आप जो ऐड किए हैं आप डिलीवरी कहाँ पे चाहते हैं. ठीक है, राइट, ऑफिस में चाहते हैं या फिर घर में चाहते हैं. गाइस डेफिनेटली गाइस मैं अभी गाँव में हूँ तो मैं घर में ही चाहूँगा. तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास, ठीक है, होम का ऑप्शन आया है. तो गाइस क्या होता है कि होम और ऑफिस में जो डिलीवरी देने का जो टाइम होता है वो कुछ अलग होता है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, होम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा. जो ही होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके पास आएगा ऐड एड्रेस. तो यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे
क्या होगा कि आपका जो अमेजोन पे आपका जो पर्सनल एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब एड्रेस गाइस ऐड हो गया, अब कोई भी प्रोडक्ट को आप बाई कर सकते हैं। ऐसे ही गाइस हम कोई भी एड्रेस को न्यू एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नया एड्रेस अगर ऐड करना हो गाइस, अगर आप कहीं अगर कोई और जगह पे अगर गए हो वो एड्रेस को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो क्या करना होगा, न्यू एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, या फिर आपको अगर कुछ भी अगर नहीं मालूम तो क्या करना होगा, ऐड एंड न्यू पिकअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना एरिया का नाम, तो वहाँ पे टाइप जो ही कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिकली जितने भी मतलब एड्रेस है आपके नियर बाय वो एड्रेस आपके पास आ जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करके देन उसको नए एड्रेस पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल गाइस मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप नया एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों के लिए। प्लीज ऐसे सपोर्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक को लेकर। तो ख्याल रखिएगा।